तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है देवेंद्र प्रधान जी के पार्ट टू के अंदर। और इस वीडियो में भी मैं आपको एक और सर के फार्म का एक बेहतरीन घोड़ा फिर से दिखाने जा रहा हूँ। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है, इस घोड़े का नाम क्या है? इसका नाम ब्लैक एडम है। ब्लैक एडम, ये लगभग 7.5 साल का हो गया है। 7.5 साल का ये सुल्तान गुरवे वाले का बच्चा है। और कौन सा सर? सुल्तान गुरवे वाला बोलते हैं शायद। अच्छा। और अली किरलगढ़ जो है इसका ग्रैंडफादर है। ओके। और इसकी मदर जो है वो नवदीप भुल्लर है, फिरोजपुर में तहसीलदार स्टेट फार्म वाले, उन्हीं के घर में पैदा हुआ है। इसकी माँ आज भी उन्हीं के पास है। इसकी माँ है अभी भी? हाँ जी, हाँ जी। और बाप है कि नहीं सर? बाप का मुझे पता नहीं है। अच्छा, शायद है भी। है भी। तो सर, अगर बात करें अभी, अगर इसकी उम्र 7.5 साल हो चुकी है ना, हाइट में कितना है? हाइट में 66 है, 66 है। 66 है। हाँ जी। तो ये कितने टाइम से सर घोड़ा अपने पास? ये मेरे पास हो गए डेढ़ साल के आसपास। डेढ़ दो साल हो गए। तो कैसे नज़र में आया सर ये घोड़ा, और कैसे अपने फार्म पे आया? ये घोड़ा मैं काफ़ी दिन से जो है बड़ा घोड़ा ढूंढ रहा था, एक अच्छे फीचर्स वाला, जो राइडिंग का भी हो और देखने में भी सुंदर हो। तो इत्तेफाक से अपने एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक घोड़ा दिलाया। बिल्कुल। और मुझे देखते पसंद आ गया तो मैंने ले लिया घोड़ा। तो सर, आपको इस घोड़े में क्या बारीकियां लगती हैं? आप पर्सनली, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लोगों की। देखिए, पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने किरलगढ़ लाइन को जो है कोई अच्छा नहीं माना ज़्यादा, और ज़्यादा उससे ब्रीडिंग भी नहीं हुई। बिल्कुल। और लेकिन जब मैंने घोड़ा देखा, मैंने कहा यार, जब और सारी नस्लें लोग सुधारते सुधारते यहाँ तक आए हैं भाई, 60-62 के घोड़ों को 67 का 68 का बना दिया। बिल्कुल। तो इस लाइन में क्या दिक्कत है? ये लाइन तो देखने में इतनी सुंदर है, गर्दन इसकी इतनी प्यारी आती है, स्ट्रक्चर इतना प्यारा है, फेस इतना बारीक है। तो हम अगर इसे अच्छी गुड़िया देंगे तो अच्छे बच्चे आएंगे इसके। बिल्कुल। और वही मैंने किया, अभी 3 बच्चियां तो मेरे पास मेरे फार्म पे ही है इसकी, जो तैयार हो रही है। बिल्कुल। और बहुत सुंदर है, आप अपने वीडियो में भी दिखाइए उन्हें। तो सर, जो अभी बच्ची हमारे सामने खड़ी हुई है, इन बच्चियों की लगभग उम्र कितनी कितनी होगी? ये कुम्मेद वाली जो बच्ची आप देख रहे हैं, ये लगभग 3-3.5 महीने की हो गई है। 3.5 महीने। हाँ जी। और जो ब्लैक वाली है उससे 1.5 महीना बड़ी है। ओके। और जो ये सबसे बड़ी बच्ची है, ये लगभग 34 मंथ की है, 35 मंथ की। 35। हाँ। और ये 8 मंथ की प्रेगनेंट भी है। तो सर, इस घोड़े की सबसे पहली बच्ची है या सबसे बड़ी बच्ची है? सबसे पहली बच्ची है। अच्छा, सबसे पहली बच्ची है। हाँ जी। तो फिर सर, सबसे पहली बच्ची किसके पास में थी और इसको कहाँ से लेके आए थे? ये भी मैंने नवदीप भुल्लर जी से ली थी। अच्छा, उन्हीं के पास में थी। और दोनों का DNA हो रखा है, ब्लैक एडम का भी और इस बच्ची का भी। ओके। दोनों का DNA भी आपस में मैच है। तो सर, आपके फार्म पे जितने भी घोड़ा घोड़ी सब के DNA करा दिए? सब के DNA हो रखे हैं, बस मेरे पास जो ग्रेट गैम्बलर वाली बच्ची है, वो जब DNA की टीम आई थी तो वो छोटी थी, लगभग 7 मंथ की थी, तो उसका नहीं हुआ। और अपने पास जो पटवारी वाला बच्चा है वो छोटा रहा, क्योंकि वो आया भी थोड़े दिन पहले ही है। बिल्कुल। उसका नहीं हुआ, बाकी मैंने सारे अपने जितने एनिमल है सबका DNA करा रखा। तो सर, आपने इस घोड़े को कहीं रिंग में भी लगाया क्या? नहीं नहीं, मैं रिंग में जाता ही नहीं हूँ। क्यों सर? और रिंग का तो भाई बहुत ही बुरा हाल है। मैं कैसे? मेरे पास घोड़ा था पिस्टल। कुछ एक्सपीरियंस लिया क्या? हाँ लिया, तभी बता रहा हूँ। मेरे पास घोड़ा था पिस्टल, वो राजहंस का बच्चा था। अभी कहाँ है वो घोड़ा? अभी मैंने, मेरे फ्रेंड है आदिल, उन्हें दे दिया मैंने। ओके। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था तो हमारी बातचीत हुई, तो मैंने दे दिया। वो फरीदकोट शो, लुधियाना शो, दोनों में 4th पोजीशन में था। क्या नाम था? पिस्टल। पिस्टल। ओके। लेकिन शो में क्या है, जब शो करने वाले खुद अपने ही घोड़े उतारने लगे तो फिर दूसरों का तो कोई घोड़े का नंबर आना ही नहीं है मेरे भैया, वो तो नहीं आएगा। और प्रदीप भाई, आप एक शो में तो खुद ही मौजूद थे फरीदकोट, ठीक है? नहीं, जब घोड़े को मैंने चैलेंज किया फर्स्ट वाले को, तो वो रिंग से घोड़ा लेके भाग गया। जब 5,000 रुपया फीस जमा करा रहे तो रिंग से घोड़ा कैसे भाग जाने दिया आपने? बिल्कुल, ठीक है नहीं, क्योंकि वो घोड़ा सामने स्टैंड ही नहीं करता था। और सेकंड वाले को लगाया तो रीजन दिया कि आपके घोड़े का वजन कम है। अच्छा। अब कौन से कांटे उन्होंने लगा रखे हैं तोलने के लिए, वजन के लिए, आप बता दीजिए। और आपका भी कैमरा वहाँ पे बंद करा दिया गया था, मुझे बहुत अच्छे ढंग से याद है। हमारा तो क्या, आजकल हर रिंग में बंद करा दिया जाता है, और रिंग में जाने से पहले वार्निंग दे दी जाती है कि भाई हारने वाले का वीडियो नहीं बनाना चाहिए। हारने वाले का तो वीडियो किसने कहा बनाने के लिए? आपने एक प्रोसीजर रखा कि भाई आप अपील कर सकते हो। बिल्कुल। आपने उस अपील के 5,000 रुपए भी जमा करा लिए। 5,000 रुपए? हाँ जी, हाँ जी, पैसे जमा करा लिए। उसके बाद जिसके लिए अपील करी वो घोड़ा भगा दिया आपने फर्स्ट नंबर वाला रिंग के अंदर से। अच्छा। फिर जब दूसरे नंबर का लेके आए तो आपने सारे कैमरे बंद करा दिए, और उसके बाद रीजन दे रहे हैं कि आपका घोड़े का वेट कम है। ये कहाँ के लॉजिक है? ये तो ऐसे ऐसे जज वहाँ खड़े हुए थे जिनके घर में 2 घोड़े नहीं है, जिसने कभी जिंदगी में 2 घोड़े खरीदे नहीं है, वो जजिंग कर रहे हैं वहाँ पे। और जो
सो स्पॉन्सर हैं या जो सो ऑर्गेनाइजर हैं वो आपस में ही अपने किसी यार दोस्त का या जिन्होंने स्पॉन्सर कर रखे हैं उनके घोड़े जो फर्स्ट सेकंड आते हैं। बिल्कुल, तो ये तो हद है एक तरह की। क्यों लोगों को परेशान करते हो, अपने घर में अपना शो करो, ठीक है? नहीं, या फिर दूसरा मेरा तो ये कहना है कि भाई शो में जो है घोड़े थोड़ी लड़ते हैं, आदमी लड़ते हैं। बिल्कुल, तो साला घोड़े तो जो है बाहर आप खड़े कर दो, हर आदमियों को जो है अंदर छोड़ो रिंग में। यानी घोड़े बाहर रहने दो, आदमियों को आदमी, हाँ आदमी आदमी देख के घोड़ा जीत रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है? नहीं, एक ऐसी मोनोपोली चला दी कि अच्छे अच्छे घोड़े मैं देखता हूँ, मैं उन लोगों का ना तो जीतने वाले का नाम ले रहा ना मैं हारने वाले का नाम ले रहा। बिल्कुल, लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद मौजूद था जहाँ पे मेरा पिस्टल फोर्थ नंबर पे आया, वहाँ पे एक ऐसे घोड़े को अंदर कराया जिसकी मैं जो टॉप 10 के लायक नहीं था, और 3-4 घोड़े ऐसे बाहर करे जो टॉप 10 में क्या टॉप 5 के घोड़े थे। बिल्कुल, तो क्या ये क्या मजाक बना के रखा आपने? तो इसमें अब क्या है कि अब जैसे अब नए शो होने जा रहे हैं, अब अच्छे शो की उम्मीद है कि लोगों को भी बहुत उम्मीद है। बिल्कुल, कि ये जो ऑर्गेनाइजर हैं वो पिछली चीज़ों से सबक लेंगे और अपने घोड़े एक तो रिंग में नहीं डालेंगे, जो उनके यार दोस्त हैं उनके घोड़े दूर ही रखें, जो स्पॉन्सर या ऑर्गेनाइजर हैं वो अपने घोड़े दूर रखें, ठीक है? नहीं, वरना शो ऑर्गेनाइज कराने का कोई फायदा नहीं है। नहीं सर, इसमें भी है कि अभी बहुत सारे जो शो हो रहे हैं उसमें ये ऐसा हो भी रहा है कि जितने भी कमेटी मेंबर होते हैं वो अपने घोड़े शो में नहीं उतारते। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये होना भी नहीं चाहिए, तभी तो आप फेयर डिसीजन ले पाओगे। बिल्कुल, ठीक है? नहीं, और दोस्त यार का रहेगा तो फिर थोड़ा थोड़ा ना दबाव तो बन ही जाता है। दबाव तो ऐसे बनता है ना, किसी फेमस घोड़े का बच्चा उतारते हैं वो रिंग में, तो फिर क्या है उसे जिताना ही पड़ता है, ऐसी मजबूरी कहीं बाहर आ जाती है, फिर घोड़े का भी नाम खराब हो जाता है। तो ये अब जैसे अभी 2-3 शो नए होने वाले हैं, जैसे मुक्सर में होने वाला है, बिल्कुल, या फिर अंपायर शो दोबारा होने वाला है, या फरीदकोट शो भी दोबारा होने वाला है, बहुत सारे शो होने वाले, रंसी शो भी है, जितने भी शो है यार, कम से कम ये लोग जो है घोड़ा देख के जजमेंट करें, आदमी देख के ना करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो सर अगर बात करें अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा है इसकी कवरिंग फीस क्या रख रखी है, और कितनी घोड़ियाँ इस घोड़े से आपके पास में और आपसे पहले मेट हो चुकी है? मेरे से पहले का तो मुझे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं पता है। बिल्कुल, और मुझे उसके बच्चों का भी नहीं पता है आज तक। इस घोड़े ने जब पंजाब में रहा तो काफ़ी घोड़ियाँ इससे मेट हुई होंगी, लेकिन इसके बच्चे कहाँ मुझे नहीं पता आज तक। बिल्कुल, ठीक है? नहीं, कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं है कहाँ है। सिर्फ एक आध बच्ची है जो मेरी नॉलेज में, लेकिन फिलहाल इसके 11-12 बच्चियां अभी आई हैं रिसेंटली। बिल्कुल, 3 मेरे पास हैं, बाकी और मेरे जो फ्रेंड सर्किल है जो अपने से घोड़ा घोड़ी कवर करा के गए हैं उनके पास है। तो फीस क्या रख रखी है सर? फीस इसकी 35,000 है जी। 35, हाँ जी। और जो बाहर से आते हैं उनके लिए 10,000 रुपए की छूट है। अभी 31 थी इसकी, फिर मैंने पहले तो मैंने 21,000 कर रखी थी इसकी, फिर मैंने इसकी बढ़ा के अब 35 कर दी है। तो सर इससे कितनी घोड़ियाँ कवर हो चुकी है आपके फार्म? अभी होंगी लगभग इसकी 30-35 के करीब। 30-35 के करीब है जी। तो सर आप अभी बच्चों को और बड़े घोड़ों को या घोड़ियों को डाइट में क्या देते हो, या सबों को सेम देते हो या अलग अलग? ना, घोड़ियों की मैं थोड़ी डाइट चेंज, जो जैसे घोड़ी हो गई या ब्लैक एडम हो गया, वो अपनी जो हाइट और स्ट्रक्चर जो उनका जितना बनना था बन गया। बिल्कुल, उनकी डाइट बहुत अलग है। बिल्कुल, लेकिन जो राफेल है, जो ये दो बच्चे तैयार हो रहे हैं या जो बच्चियां तैयार हो रही हैं मेरे पास, ग्रेट गैम्बलर की है, दिलबाग की है, या फिर ब्लैक एडम की दो छोटी बच्चियां हैं, इनका डाइट प्लान बिल्कुल ही चेंज है। इनका मल्टीविटामिन मिनरल्स हम कभी टूटने नहीं देते, ठीक है? नहीं, इनकी डाइट में जो है प्रोटीन डाइट हम ज़्यादा रखते हैं, और जितना अच्छे से अच्छा हम इन्हें प्रैक्टिस कराते हैं, इन्हें जितने भी हम एक्सरसाइज करा सकते हैं वो कराते हैं जितने के लिए ज़रूरी है, और डाइट प्लान इनका जो है हाई प्रोटीन डाइट रहती है इनकी। तो सर आप फार्म पे कितना टाइम देते हो, या और फार्मों की तरह बंदे भरोसे हैं? ना ना ना, मैं मॉर्निंग में तो आता ही आता हूँ, एक चक्कर लगता है मेरा जब दाना पानी डलता घोड़ों को, और एक चक्कर मेरा शाम को अगर जब भी मेरे पे टाइम होता, मतलब कोशिश करता हूँ कि दोनों टाइम का जो खाना जो मेन डाइट पड़ती है वो मेरे सामने पड़ जाएगा, आपके सामने। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अभी इंडिया में और भी शो होने वाले हैं, तो कोई बच्चा या बच्ची शो के हिसाब से भी तैयार कर रहे हो या नहीं कर रहे? शो में खैर मेरा जाने का मन भी नहीं है, ठीक है? नहीं, क्योंकि मेरा पहला ही एक्सपीरियंस बड़ा भयंकर रहा। अच्छा, ये तो पहला एक्सपीरियंस था अपना ये? हाँ, फर्स्ट था ये। अच्छा, पहले उससे कभी गया नहीं, मेरा मन ही नहीं है जाने का। और आगे भी काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि आप राफेल को जो है लेके जाओ टूटीथ में। टूटीथ में इतना बड़ा घोड़ा मेरे ख्याल में इंडिया में कोई नहीं था। बिल्कुल, ठीक है? नहीं, साइज में ना किस चीज़ में। दूसरा क्या है कि जो जज है, जो शो रहे हैं, उन्हें कम से कम जो अपने रेटिंग है जो दिखाते हैं वो डिस्प्ले करनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है? नहीं, आपने कान के किसी घोड़े को कितने नंबर दिए, ठीक है? नहीं, आपने गर्दन के कितने दे रहे हैं, आप लेंथ के कितने दे रहे हैं, आप पैर के कितने दे रहे हैं, वो एक एक जो चार्ट है वो डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि आदमी को भी पता रहे, या फिर
आप कोई ऐसा एक चार्ट बना दें या एक ऐसा कोई फ्लैक्स लगा दें, इस तरह के कान के इतने नंबर है इतने नंबर है, तो आम आदमी को भी अपना घोड़ा जज करने में आसानी हो जाएगी। इस बात पर सर मैं दो शो की तारीफ करना चाहूंगा, एक मेहसाना में शो हुआ था और एक पुणे में शो होता है जी। उनमें जो आप जो चीज कह रहे हो ना वो रेटिंग स्क्रीन के ऊपर चलती है। हाँ, रेटिंग चलनी चाहिए, कम से कम एक आम आदमी को भी तो पता रहे कि भैया किस चीज के नंबर आपके घोड़े के काटे हैं, किस चीज के नहीं काटे हैं। बिल्कुल, वरना जब पता चला जज को मेरे से बनती नहीं है, जज कोई खड़ा है वो मेरे घोड़े के 10 में से कर दिया उसने डबल जीरो, तो क्या फायदा हो। यानी कि मार्कशीट तो दिखानी चाहिए। मार्कशीट दिखानी नहीं, डिस्प्ले करनी चाहिए आम पब्लिक के लिए, हमें नहीं दिखानी, बिल्कुल पब्लिक को दिखानी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। बाकी मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा कलेक्शन आपने कुछ टाइम के अंदर इकट्ठा कर लिया है। जी, जी। कुछ टाइम का ही कलेक्शन है मेरे को लगता है। हाँ जी, हाँ जी, ढाई साल के अंदर, ढाई साल के अंदर का कलेक्शन है मेरे पास। इंडिया की सबसे बड़ी घोड़ी भी है अभी वो, ब्लू, क्या नाम है उसका, ब्लू बेल। और बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं एक बार सामने खड़े होकर देखिए उसे, वो तो भाई साहब 36 पहिया ट्रॉला है। हाँ जी, तब वो पता चलता है कि वो क्या चीज है। बिल्कुल, कितनी हाइट है सर उसकी? उसके वाटर स्केल में होगी 69 के आसपास। 69? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नहीं, 70 तो मैं नहीं कह सकता, 69 तो है। हाँ जी, पर इतनी तो है। लेकिन मेरे को लगता है कि जो आदमी देखो फोटो में से देखने पे और पास में देखने में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जो भी कोई उसे आके देखता होगा तब ये तो 70 प्लस है, तो मैं खुद ही बोला, मैंने कहा 70 तो नहीं है भाई। एक आदमी लोग हरिद्वार आते हैं और मेरे को लगता है काफी घोड़े वाले हरिद्वार आते ही रहते हैं, है ना, आते रहते हैं ना। सबका वेलकम कभी भी आप लोग आइए। तो आप सर का टाइटल के अंदर नंबर दे के रखूंगा मैं, तो जो भी भाई लोग आए, और हमारे घोड़े वाले तो वैसे भी किसी नगरी में जाते हैं और अगर वहाँ घोड़े हैं तो वैसे भी देखे बिना वापस आते नहीं है जी। तो आप सब लोग आ सकते हैं, सर का नंबर मैं टाइटल में देके रखूंगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी कवरिंग के लिए भी कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे राफेल से और इस घोड़े से भी, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।